तो अब हम गाड़ियां बेचेंगे। क्या बोला तूने? हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 1 सितंबर और आज काफ़ी स्पेशल डे है। स्पेशल क्यों है वो आपको आगे वीडियो में चल करके पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं जहाँ जा रहे हैं और उसके बाद आगे की बात आपसे तब करेंगे। आ गए हैं महिंद्रा के शोरूम। अब यहाँ क्यों आए हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बाकी चलते हैं अंदर। नहीं तो जी, अभी आप देख सकते हो मैं हूँ स्कॉर्पियो एन के अंदर और बताना चाहूंगा महिंद्रा हम क्यों आए हैं। महिंद्रा हम इसलिए आए कि गाड़ियाँ बेचेंगे, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, थार, सब गाड़ियाँ बेचेंगे। तो पार्टी बदल लिया साला। बाकी गाड़ियों से रिलेटेड तो वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलती रहेगी। और जो भी मेरा डीलरशिप का एड्रेस है, जो भी मेरी डिटेल्स हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अभी देखो, मैं स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में हूँ और आप देख सकते हो कि एकदम जबरदस्त कार का इंटीरियर है। ये टॉप मॉडल है जो अपना आता है Z8L लग्जरी के नाम से और ये ऑटोमेटिक वेरियंट है, 4x4 एक्सप्लोर वाला जो मॉडल है। और कार की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। अभी मैंने इसका ऑडियो सिस्टम सुन करके देखा, गजब की जो है साउंड इसमें आउटपुट मिलता है। बाकी आप एक छोटा सा वॉक अराउंड लेते हैं स्कॉर्पियो एन का स्पेशली, और मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ फीचर्स जो है ये कार यहाँ पर आपको ऑफर कर रही है। बाकी टाइम टू टाइम व्लॉग्स तो आपको अब मिलते ही रहेंगे। सो जी, ये आप अभी देख सकते हो स्कॉर्पियो एन और अभी हम हैं माइटी महिंद्रा में और देख सकते हो ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है। की से स्टार्ट करूँगा, ये आपको की मिलेगी पीछे, इसमें महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, लॉक अनलॉक हॉर्न वगैरह के सबके कंट्रोल्स मिलेंगे। और कार ओवरऑल बाहर से देखने में काफ़ी मैसिव लगती है। LED, फुल LED जो है आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और आप देख सकते हो जैसे आप कार अनलॉक करोगे तो जो नीचे के DRLs हैं वो ग्लो हो जाएंगे। LED हेडलैम्प्स जो हैं वो मिल रहे हैं, क्रोम इंसर्ट्स हैं एक्सटीरियर में और कार ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसका वाइट कलर भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ है वो आप देख सकते हो वाइट कलर, और ज़बरदस्त इसकी रोड प्रेजेंस है। और क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें 18 इंचेस के आपके अलॉय व्हील आते हैं, ऑटोमेटिक मॉडल है। अगर आप Z8L मैनुअल भी लेंगे तो उसमें भी आपको 17 इंच के मिलेंगे टायर्स, इसमें आपको 18 इंच के टायर मिल रहे हैं। और ओवरऑल कार देखने में काफ़ी अच्छी है, स्टाइलिश एलिमेंट दिए गए हैं जैसे क्रोम इंसर्ट आप देख सकते हो, ये पीछे से कंटिन्यू होकर के एक स्कॉर्पियो का जो टेल है वो बना रहा है। बाकी साइड में फुट स्टेप दे रखा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, जैसे आप इसको करेंगे तो गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाएगी। अब ये गाड़ी अनलॉक हो गई है और चेक कर सकते हो इंटीरियर, डुअल टोन इंटीरियर्स जो हैं आपको मिलते हैं और सीटिंग भी काफ़ी वाइड एंड इनफ है। और अगर सीट्स की बात करें तो लेदर सीट्स आपको मिल रही है और इधर आपको मिल रहा है एडजस्टेबल सीट्स, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टेयरिंग कुछ ऐसा देखने में लगता है, क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे। नीचे से थोड़ा सा ये फ्लैट है, सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और ओवरऑल कार देखने में एक नंबर लगती है भाई, एक नंबर। और कार में अंदर चढ़ने और उतरने के लिए यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल भी दिया हुआ है, तो इसको पकड़ करके जो है आप कार के अंदर जा सकते हैं। बाकी पेडल्स आप देख लो, ये ऑटोमेटिक है तो इसमें क्लच तो होगा नहीं, बाकी साइड में डेट पेडल दिया हुआ है। और अब चलते हैं कार के अंदर, बाकी सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ऑन करते हैं कार को, तो यहाँ पर रख ली हमने कार की की और देख सकते हो ब्रेक प्रेस करके करेंगे कार को ऑन और ये कार ऑन हो गई। 360 डिग्री कैमरा कार के अंदर दिया हुआ है और ओवरऑल देखने में कुछ ऐसे लगती है, जैसी कार आप जो है ऑन करेंगे जो ORVM है वो ओपन हो जाते हैं। बाकी देख सकते हो टायर डायरेक्शन इसमें आती है, इसके ऊपर भी एक डिटेल जो है वीडियो मैं बना दूंगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपके म्यूजिक सिस्टम के साथ में। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है,
यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल रहे हैं, इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको दिया गया है। और इसके टच स्क्रीन की बात कर लें तो बहुत अच्छे इसमें फीचर्स जो है टच स्क्रीन के इसमें मिल जाते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स कैमरा, और सोनी का जो अगर आप जो Z8L मॉडल है उसको लग्जरी वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको एक्सटर्नल जो है सोनी के जो स्पीकर्स हैं, म्यूजिक सिस्टम, वो मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, सोनी का यहाँ पर है, इधर स्पीकर्स दिए हुए हैं, और इधर आपका सनरूफ आप देख सकते हो। तो अब स्कॉर्पियो एन जो है फुली लोडेड जो कार अब आपको मिल रही है। स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पर स्टोरेज भी अच्छा मिल जाता है, और ओवरऑल डोर पैनल्स भी काफ़ी अच्छे इसके दे रखे हैं डिज़ाइन में। तीन कलर्स आपको देखने मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक, सिल्वर, ये आपको लेदर फिनिश जो है यहाँ दी गई है, बाकी ब्लैक और ब्लैक और बीच जो टैन है उसका आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और ओवरऑल क्लास लगती है भाई साहब कार। यहाँ के बहुत सारे कंट्रोल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, नीचे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, USB पोर्ट्स ये दिए हुए हैं, और इधर ये आपका ऑटोमेटिक गियर लीवर, और कुछ ऐसा लगता है सेंटर आर्मरेस्ट। और फ्रंट से आप रियर कैबिन भी देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी स्पेशियस जो है कैबिन आपको मिलता है, वाइड इनफ सीट्स हैं, तो ये आप अभी देख सकते हैं। ओवरऑल जो है स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, और सेफ्टी सिस्टम्स में अगर हम बात कर लें तो जो है 6 एयरबैग्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर। तो मतलब कार जो है अब स्कॉर्पियो एन फुली लोडेड आपको इसके अंदर मिल रही है। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगा स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल का क्या कुछ फीचर्स जो है ये कार आपको ऑफर कर रही है। बाकी अब डेली बेसिस पे आपको कार के रिव्यूज जो है वो मिलते रहेंगे, एक शॉर्ट रिव्यूज जो है बनाते रहेंगे कि जैसे जैसे वेरियंट्स स्कॉर्पियो के आते रहेंगे, क्योंकि अभी हर जगह जो है टॉप मॉडल ही अवेलेबल है। जैसे इसके बेस मॉडल, बाकी कलर्स वो सब आएंगे तो उसकी भी वीडियोस आपको चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि अब हम आ चुके हैं महिंद्रा में, और महिंद्रा के तो मतलब कह सकते हो महिंद्रा के ही फैमिली में अब हम हो गए हैं। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि महिंद्रा कार से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं आप तक पहुंचाऊं। और उसके बाद XUV 700 कवर करनी है, थार है, थार के बहुत सारे मॉडल्स हैं, XUV के बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो सबकी वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेगी। तो फटाफट से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब जो कल का व्लॉग होगा उसमें मिलेंगे, और देखते हैं कल हम क्या करेंगे, कल भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।